तो स्वागत करता हूँ आपका एक नए से वीडियो में। तो नमस्कार प्रणाम केमचो, ये तो बिग बॉस वाला डायलॉग हो गया। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं नदी के उस पार और वहाँ पे कुछ हमारे मित्र जो हैं गांव के वो लोग बना रहे हैं कुछ खाना। अब ये नहीं पता कि क्या बना रहे हैं, मगर उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप आइए। तो मैंने बोला चलो ठीक है, चलते हैं और देखते हैं कि आज वहाँ पे क्या धमाल होने वाला है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि नदी की उस पार चलते हैं, तो हमारे साथ हमारे मित्र आ चुके हैं उमेश जी, और हम दोनों नदी को पार करेंगे, उस पार चलेंगे। धूप काफ़ी ज़्यादा है तो इसीलिए हमने सनग्लासेस और ये जो बेहतरीन धूप से बचने के लिए टॉवल, ये जो है बिहार यूपी में आपको पता होगा कि गमछा का उपयोग किया जाता है, मल्टीपर्पज़ चीज़ है। मतलब गमछा का उपयोग आप बहुत बहुत कर सकते हैं, बहुत जगह कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो अभी फ़िलहाल हम इसका यूज़ कर रहे हैं धूप से बचने के लिए, क्यों? हाँ, सही है, भगवान की माया है, कहीं धूप कहीं छाया, देख लीजिए बादल भी है मगर धूप बहुत तेज़ है, इतना तेज़ है कि झुलस जाए आदमी। तो हम लोग भी फुल प्रिपरेशन में हैं और ये चल रहे हैं। गाँव में क्या है कि बिजली पानी का फैसिलिटी है, मगर नदी के उस पार जो है वहाँ पर कुछ भी नहीं है। मतलब एक तरीके से पूरा घास का मैदान है, जैसा कि आप ये सामने देख रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, घास का मैदान है। और चारों तरफ जो है नदी के वजह से वो रेत है नीचे, तो यहाँ भी तो थोड़ा बहुत मिट्टी है, हमारा उधर से जाने के बाद रेत होता है तो उससे गर्मी और ज़्यादा लगती है। तो चलिए हम नदी को पार करेंगे, और अभी फ़िलहाल अभी इस नदी में पानी कम है तो इसको पार करने के बाद हम उस पार पहुँचेंगे और आपको दिखाएँगे कि वहाँ पर क्या क्या माजरा है, क्या क्या पक रहा है। हो सकेगा तो हम भी अपना कुछ इनपुट देंगे, क्यों उमेश जी? तो चलिए, तो अभी अब हम आ चुके हैं नदी के पास। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नदी में पानी बहुत कम है। ये डॉग लोग बैठा है जी नदी में, ये डॉग लोग क्यों बैठा है उमेश जी? ये जो है ना गर्मी बहुत पड़ रही है, पानी पिएगा। ओ हाँ, देखिए ये कुत्तूर लोग पूरा मजा ले रहा है, गांव का शिकारी है ये लोग, बकरी का बच्चा लोग को अकेले पकड़ के मौत का घाट उतार देता है। ये है देखिए गाइस नदी का नज़ारा। अभी हम लोग इसको पार करेंगे और उस पार जाएंगे। इतना साफ पानी है, देख रहे हैं पाँव दिख जाएगा। मछली है उमेश जी? हाँ, बहुत ठंडा पानी है गाइस, बहुत ठंडा पानी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम नदी में खड़े हैं, ये आसमान है, ये सूरज है और नीचे हम हैं। पानी बहुत कम है, तो पानी कम होने के कारण बहाव है थोड़ा सा और नदी का पानी बस इतना ही है। उमेश जी हवा का मज़ा ले रहे हैं, हवा अभी हम मुझे लग रहा है 60-70 किलो पर किलोमीटर रफ्तार से चल रहा है, और हो सकता है वीडियो में भी हवा सुनाई दे। तो चलिए हम लोग नदी को पार करते हुए उस पार पहुंच गए। कितना साफ पानी हो मैं देखना, मतलब इस पानी में ये देखिए मछुआरे मछली निकाल रहे हैं नदी से, छोटी छोटी मछलियाँ होती है, बड़ी बड़ी भी मछलियाँ होती है, बहता हुआ पानी है तो उसमें ये लोग रोज मछली मार रहे हैं। ये अल्लाह हमें भी, हम कहाँ पहुँच गई, हम मरुस्थल पहुँच गई, ये अल्लाह। यहाँ से हमारा मैन वर्सेस वाइल्ड का सीरीज शुरू होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैन वर्सेस वाइल्ड में जिस तरीके से वो क्या कहते हैं पशुओं के मल के निशान को देखते हुए पता लगाते थे कि किधर है, तो हम भी वैसे ही कुछ रेस्क्यू करेंगे कि हमारे लोग जो है अपने जानवरों को लेके किधर किधर गए हैं। तो चलिए पता लगा। ताज़ा नहीं लग रहा है, ये ताज़ा ही लग रहा है मगर कल का है, ये जो गोबर किया हुआ है। उमेश जी ये रास्ता कितना खतरनाक है देख लीजिए, इन्हीं रास्तों में कहीं तेंदुआ तो कभी चीता वगैरह साइड में रहता। नहीं मानता, ये रास्ता सीधे जाएगा जंगल के उस पार, हम जंगल के बीचों बीच। और ये क्या जंगल खत्म, ये तो प्लेन हो गया, ये प्लेन ग्रास मैदान। यहाँ देखिए, ओहो ये
यही वो व्यवस्था लगा हुआ है। तो देखिए हमारे भाई लोग तो यहाँ बैठे हुए, क्या कर रहे हैं गाइज आप लोग? गाइज क्या चल रहा है? अरे ये हंडी तो, ये पतीला तो जाना पहचाना हुआ लग रहा है, प्याज का कटाई हो रहा है। ये लड़का सब क्या कर रहे हो जी तुम लोग? की कर रहा छे यो? प्याज काटे छे। वाह चेक कीजिए गाइस कितना बढ़िया हट बनाया गया इसी के नीचे। यहाँ पे कुछ आज बहुत अच्छा बनने वाला है। क्या बनने वाला है भाई? चिकन बनने वाला है। चिकन बनने वाला है तो चिकन तेरा भाई बनाएगा। जिस तरीके से ट्रिप पे सब लोग बोलते हैं ना, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तो जहाँ खाना बनता है तो आज चिकन तेरा भाई बनाएगा। जी ये अपने कंधे पे लेके आए, देखे जलावन है, गोबर का उपला है, क्या हो गया। और सीन देखिएगा इस कितना बढ़िया है कि हम लोग उस पार से आए हैं नदी के उस पार के लिए भी बने कहीं कम पहुंचे। इसमें क्या है बोला जी? तो यहाँ पे प्रिपरेशन देख लीजिए गाइस। मैं बता रहा था कि इस साइड पूरा ये घास कम है। अभी ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये चारों तरफ से खुला हुआ है, तो इस तरफ से बंद कर दिया जाएगा ताकि हवा ना आए। तो यहाँ इस तरीके से अगर इसको रोका जाएगा तो यहाँ पे चूल्हा दिया जाएगा ताकि हवा जो है वो खाना बनने में कोई परेशानी ना बने। तो अभी ये हरा जो ये है, ये घास डाल के बड़ा बड़ा घास है, तो इसको बंद किया जा रहा है। अभी हम लोग का प्रोसेस शुरू हो गया है और ये हमने चढ़ा दिया है चावल बनने के लिए। पानी गर्म हो रहा है और इधर चावल को धो दिया गया है। अभी चावल इसके अंदर जाएगा और कुछ आदमी देख रहे हैं यहाँ पे। भोला जी क्या कर रहे हैं? भोला जी साइड में अभी ट्रैक्टर से सामान सब लाया गया है, जैसे पानी वानी लेके आए हैं। और ये सब देखिए जितना मर्सिडीज BMW है सबके ड्राइवर हैं इन लोग। छोटा ड्राइवर ये है, प्रो ड्राइवर। तो अभी चिकन को मैरिनेट किया जा रहा है, मैरिनेट करना शुरू करेंगे अभी हमारे सोनू भाई। और अभी पूरे जितने 4 किलो मीट है इसके अंदर जितना भी खड़ा मसाला, तेज पत्ता, तेल, प्याज सबको एक साथ देखिए इसमें मिलाया जा रहा है। इसके बाद इसको कम उस पे जो अंगेठी बनी है उसको रख दिया जाएगा और 1 घंटे के अंदर ये बन के तैयार हो जाएगा। तो अभी तक हमारा ये जो चिकन है ऐसा बना हुआ है, रंगत देखिए इसकी और ये रही इसकी कंसिस्टेंसी। काफ़ी बढ़िया बना हुआ है और जनता इधर इंतजार पे बैठी हुई है खाने के लिए। क्या चीटिंग कर रहा है भाई? चीटिंग क्या चीटिंग कर रहे? तू तुम्हारा उठ गया था, देखो हमारा हाथ बैठा है, तुम्हारा हाथ अभी उठ रहा है। अभी भी उठ रहा है, देखिए वैसे देखिए तुम, हमारा भी हाथ बैठा है, आपका भी हाथ बैठा हुआ है। ग्रेवी बहुत ज्यादा हो गया, हम ये बोल रहे हैं भैया मांस भी है, 4 किलो मांस कहाँ छोड़े, एक नंबर पे है। तो अभी लोग बन के रेडी हैं, अभी सब लोग यहाँ पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं और हमारा ये लोग चले। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसा बना है, ये देखिए। कंसिस्टेंसी देखिए गाइस, ये मुर्ग मसल्लम और ये राइस का। यहाँ पे सब कोई इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए। एक्चुअली एक कोल्ड ड्रिंक लेने गया, वो कोल्ड ड्रिंक लेके आएगा तो फिर शुरू होगा।
जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरा मैदान जो है नदी के किनारे है। यहाँ पे भैंस गाय और लोग यहाँ पे चारा लेने के लिए आते हैं। कितना सुहावना मौसम है, चेकआउट। तो खाना हो गया है शुरू, पहले बच्चों को बैठाए खिलाया जा रहा है, फिर जो है बड़े हो खाएंगे। क्यों जी उमेश जी? अभी पहले बच्चे को छोटे ये बाल भोग बाल भोग है, वो बाल भोग में बुढ़वा भी बैठा हुआ है। इसको सता लीजिए, नहीं था नहीं होता। खाइए जी। अरे सोनू जी आप गड़बड़ कर तो हम लोगों का पिकनिक अब ख़त्म हो चुका है। जैसा कि देख रहे हैं सब खाना वाना खा के सब कोई अपना सामान समेट रहे हैं, और अभी ये ट्रैक्टर है इस पर सब लोग सामान ला देंगे और घर के। कैसा रहा पार्टी भाई? बहुत अच्छा पार्टी। कैसा लगा आपको पार्टी? एकदम ये पूरे नेचर के बीच में हम लोगों ने आज बहुत इंजॉय करा, और आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर नहीं लगा फिर भी हमें सपोर्ट कीजिए और ब्लॉग में प्यार दीजिए। ये तो ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस शेयर इट और लाइक सब्सक्राइब विद योर। और ये एक बहुत अच्छा सनसेट का नज़ारा लीजिए। क्या पी रहे हैं आप? ये चिकन का जो सूप बना हुआ था वही पी रहे हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अरे वाह, एक्चुअली ग्रेवी बहुत ज़्यादा था चिकन में, तो चिकन जो बच गया तो वो उसको सूप बना के पी रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। गाइस ये नज़ारा देखिए गाइस, क्या औसम नज़ारा है। यहाँ पे हम लोग के साथ ही देखिए, जो बर्तन है उसको धोएंगे अभी नदी में जाके, हम लोग भी धोएंगे और हम लोग सब मिल के धोएंगे। और वहाँ पे जितना भी कचरा हुआ था उसको हम लोगों ने साफ़ कर दिया है, ताकि क्योंकि कई बार बाढ़ आती है तो नदी में साथ में, तो हम लोग इसके बिल्कुल खिलाफ़ है कि कोई भी कचरा नदी में नहीं बहाया जाए। और अभी हम लोग साफ़ सफाई करके अपने घर की ओर चलेंगे। क्यों गाइस? वो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। मतलब नदी को साफ रखना चाहिए ना। को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हाँ यस। वर्ल्ड में और अभी हम लोग इसी रास्ते से, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से अभी घर को जा रहे हैं। इट वाज वेरी फन, बहुत मजा आया। और नहीं, लेकिन साउथ का जो कम कर, जैसा कि पंकज